उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का काला कारोबार बहुत फल फूल रहा है। जिले में हरियाणा ब्रांड की शराब की तस्करी भी बढ़ गई है। बिजनौर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने चेकिंग के दौरान एक DSM ट्रक से 525 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए के बीच आंकी जा रही है। पुलिस ने दो आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। जिले की आबकारी टीम की नाक के नीचे लगातार अवैध शराब का अवैध कारोबार जहाँ फल फूल रहा है, तो वहीं पर विभाग को शराब माफिया मोटी रकम देकर इस अवैध शराब के खेल को खुलेआम खेल रहे हैं। बिजनौर के थाना शहर कोतवाली और क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी सफलता मिली, जब मुखबिर की सूचना पर बिजनौर थाने की पुलिस ने झालू रोड पर चेकिंग की तो एक ट्रक में 525 पेटी हरियाणा मार्का अवैध शराब सहित दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़ी गई अंग्रेजी शराब की कीमत बाजार में 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। शासन के आदेश पर अवैध शराब को पकड़ने का अभियान चल रहा है। वहीं इस शराब के काले कारोबार में लगे शराब माफियाओं और आबकारी विभाग की मिलीभगत के चलते शराब का कारोबार जिले में फल फूल रहा। माफियाओं द्वारा बिक्री के लिए ले जाई जा रही हरियाणा मेड की शराब मैक डबल पार्टी स्पेशल इंपीरियल ब्लू रॉयल स्ट्रैक ट्रक में भरकर हरियाणा से बिजनौर ले जाई जा रही थी। उधर बिजनौर CO सिटी गजेंद्र सिंह का कहना है कि हरियाणा से मिली ट्रक में लाखों रुपए की कीमत की शराब तस्करी कर लाई जा रही थी, जिसे सूचना के आधार पर पकड़ लिया गया है। साथ ही इस कारोबार से जुड़े दो शराब माफिया पकड़ लिए गए हैं। हाँ भैया, क्या नाम तुम्हारा? रवि नाम है सर। रवि, ये कितनी शराब है, कहाँ से ला रहे थे, किसके लिए ला रहे थे? सर मुझे पता नहीं, मैं वापस से गाड़ी मिली, मैं ड्राइवर में तय हो गया 10,000 से बोला, मुझे ड्राइवर भाग गया, ये गाड़ी तुझे वहाँ तक छोड़नी है, लालच में पैसों को। कहाँ से लेके चले थे शराब? मैं बागपत से लेके, मेरी बागपत गाड़ी मिली, मेरी फ़ोन पर बात हुई, एक गाँव जा रहा है राशन है इसमें, ये तुम्हें हरिद्वार छोड़ना है। ये बात किसने कही थी? ये मेरे पास फ़ोन आया था। छोड़ने कहाँ थी गाड़ी? गाड़ी तो मैं हरिद्वार बोला था, जब यहाँ पे आई मैंने पूछा भाई ये गाड़ी ऐसे कैसे जा रही है, बोला ऐसे मान नहीं जाएगी, किसी के घर खाली होगा, वहाँ गए तुझे नाम मिल जाएगा लगभग 2,500 रुपये। नंबर दिया होगा किसी का? नंबर सर मेरे साथ लड़का है उसके पास। क्या है पूरा मामला, कितने की शराब है, कितने अभियुक्त हैं इसमें? जो है कपिल और रवि नाम के दो पकड़े गए हैं, एक कैंटर से अवैध शराब ला रहे थे हरियाणा से, और ये काली मंदिर चौराहे यहाँ से पकड़े गए। इसमें करीब 40-45 लाख की शराब है और 20 लाख का एक कैंटर है, टोटल 60 लाख की रिकवरी हुई है। SSI कोतवाली और SWAT टीम ने मिलकर कार्रवाई की। कितने लोग गिरफ्तार हैं, कितने फरार? दो लोग गिरफ्तार हैं और दो लोग फरार हैं, नीरज और रवि नाम के लोग फरार हैं, और नीरज कपिल नाम के लोग दो अरेस्ट हो गए। यहाँ कहाँ लाई जा रही थी? ये यहाँ सालमाबाद में कोई है आदमी मनिंदर, इसके यहाँ उतारना था इनको और यहाँ से सप्लाई करते हैं। क्या तो पकड़ेगी मुखबिर की सूचना पर? हाँ, मुखबिर की सूचना पकड़ेगी। ठीक है।